हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुर्ता बनाया था। इसकी वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। आज हम इसकी मैचिंग कैप और ये पजामे बनाएंगे। पजामे बनाने के लिए हमने 11 नंबर की सिलाई ली है और यहाँ पर टोटल हमने 38 फंदे डाल लिए हैं। फंदे हमने सिंगल धागे से डाले हैं। तो देखिए, इसकी हम फर्स्ट रो बनाएंगे। ये देखिए, ये इसकी फर्स्ट रो है और 38 हमने फंदे लिए हैं, 11 नंबर की सिलाई ली है। तो इस तरह हम इसकी ये फर्स्ट रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो बनाकर इसकी कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड रो बनाएंगे और इसको भी हम उल्टा ही बना लेंगे। ये देखिए, ये इसकी सेकंड रो है और इसको भी हम इस तरह से उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से सेकंड रो बनाते। ये देखिए, जैसे हमने टू रो बनाई है, सेम इसी तरह से इसकी टू रो और बना लेंगे, दोनों साइड से उल्टी उल्टी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी चार सिलाइयाँ बना ली है। अब इसको हम सीधी साइड से सीधा बनाएंगे और उल्टी साइड से उल्टा, और इसको हम पौने दो इंच निकाल लेंगे। ये देखिए, इसके यहाँ तक इसको इतना होल निकाल लेते हैं। पौने दो इंच होने के बाद फिर दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको इतना हमने बना लिया है। इसकी लेंथ एक बार दिखाते हैं। देखिए, पूरे पौने दो इंच है। ये देखिए, अब इसको हम यहाँ से टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। टोटल फंदे हमारे पास 38 है, तो सबसे पहले हम 19 फंदों को बनाएंगे और यहाँ से हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। देखिए, दो फंदे हम यहाँ से कम करेंगे। एक दो का एक बना लिया, फिर फंदा वापस लेंगे और फिर दो का एक बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने दो फंदे कम कर लिए और 19 फंदे हमें बनाने हैं, तो 17 फंदे हम और बना लेंगे। दो तो कम हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह फंदे हमने बुन लिए, दो फंदे हमने कम कर लिए, तो 19 फंदे हो गए। देखिए, साइड के फंदे एक बार काउंट करते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस 19 फंदे हमारे पास यहाँ पर है। तो यहीं से हम टर्न करेंगे और अब देखिए, यहाँ पर भी हम दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। दो का एक बनाया, एक फंदा कम हो गया, फिर फंदा वापस लेंगे और फिर दो का एक बनाएंगे। तो देखिए, दो फंदे हमने यहाँ पर कम कर लिए। पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे और ये फंदे डिवाइड करने के बाद इसकी सेकंड रो है, तो उल्टी बनाकर कंप्लीट। ये देखिए, टू रो हमने बना ली है। अब यहाँ से इसकी थर्ड रो बनाएंगे। सीधी साइड है, एक फंदा यहाँ से कम करेंगे। दो फंदों का एक फंदा बना लिया, सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे। इस तरह से इसकी थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब इसकी उल्टी साइड पर है और यहाँ से इसकी फोर्थ रो बनाएंगे। एक फंदा हम यहाँ से कम कर लेंगे, दो फंदों का एक किया। देखिए, दो फंदों को एक साथ बुन लिया तो एक फंदा कम हो गया और पूरी फोर्थ रो हम उल्टी बनाकर इसकी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इसकी सीधी साइड है और फिफ्थ रो है, तो सीधी साइड से इसको सीधा बनाएंगे और एक फंदा देखिए यहाँ से कम करेंगे। दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो का एक बना लिया और पूरी रो सीधी बनाकर
कंप्लीट करेंगे। ये इसकी फिफ्थ रो है टू पार्ट में डिवाइड करने के बाद। ये देखिए ये इसकी उल्टी साइड है और उल्टी साइड से हम सिक्स्थ रो इसकी बनाएंगे। एक फंदा हम यहाँ से कम कर लेंगे इस तरह से और पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे इस तरह से। इसकी सिक्स्थ रो कंप्लीट। ये देखिए अब इसकी हम यहाँ से सेवन्थ रो बनाएंगे और फंदा इसमें नहीं घटाएंगे। फंदे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ग्यारह फंदे हैं हमारे पास। अब और फंदा नहीं घटाएंगे और ये 7 और 8 टू रो हम इसकी और बना लेंगे। सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी टू रो बना लेते हैं, फंदा कोई नहीं घटाएंगे। ये देखिए 8 सिलाई है इसकी हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ से डिवाइड करने के बाद। अब इसकी 9th रो बनाएंगे और सीधी साइड से इसको हम उल्टा बना लेंगे। ये इसकी 9th रो है और सीधी साइड है तो सीधी साइड से हम इसको उल्टा बनाएंगे। देखिए ये 9th रो कंप्लीट कर ली। अब 10th रो बना लेंगे और इसको हम उल्टी साइड से उल्टा बनाएंगे इस तरह से। इसकी 10th रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 10 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसको यहाँ से हम बंद करेंगे। देखिए दो फंदों का एक फंदा किया, फिर फंदा वापस करेंगे, फिर दो का एक फंदा वापस, दो का एक, इस तरह से ये सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए इसको हमने बंद कर दिया और इसकी एक बार लेंथ आपको दिखाते हैं, पूरे 3.25 इंच। देखिए 3.25 इंच ये बन चुका है। अब इसका धागा कट करेंगे और फिर धागा हम यहाँ से लगाएंगे। जैसे हमने ये पार्ट बनाया सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट बनाएंगे। पहले हम दो दो फंदे कम करेंगे फिर एक एक और इसको बनाते हैं फिर दिखाएंगे। देखिए दोनों पार्ट इसके हमने बना लिए हैं। अब इसको हम सिलेंगे इस तरह से और इस तरह से। तो ये धागा हमारे पास बचा था, सबसे पहले हम इसको ऊपर की साइड से सील लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको सील लेंगे। देखिए धागा लेकर जो इसका सीधे वाला पार्ट है उसको हम अंदर की साइड रखेंगे और उल्टे वाला बाहर। और इसको हम सील देंगे। ये देखिए यहाँ से इसको हम सील चुके हैं। अब इसको इस तरह से रखेंगे ये देखिए और यहाँ से यहाँ तक सील देंगे और इसकी फिनिशिंग करेंगे। ये देखिए पजामा हमने बना लिया है, उसमें यहाँ पर डोरी भी डाल दिए हैं। ये देखिए इसमें हमने जाली वगैरह कुछ नहीं बनाई लेकिन डोरी इसमें फिर भी आसानी से डल जाती है। ये देखिए इस तरह से इसको आप डोरी की हेल्प से कितना भी टाइट और लूज कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से कुर्ता पजामा हमने इसका बना लिया है। अब हम बनाएंगे इसकी मैचिंग पगड़ी। ये देखिए हमने यहाँ पर 40 फंदे डाल लिए हैं पगड़ी बनाने के लिए और 10 नंबर की हमने सिलाई ली है। तो 40 फंदे डालने के बाद इसकी हम फर्स्ट रो बनाना शुरू करेंगे और इसको हम उल्टा बनाएंगे दोनों साइड से। फंदे हमें थोड़े से लूज डालने हैं, ज़्यादा लूज ना हो लेकिन टाइट भी ना हो, थोड़ा नॉर्मल फंदे डालें, टाइट बिल्कुल ना हो। और ये इसकी फर्स्ट रो बनाते हैं उल्टी, इसको हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। ये इसकी फर्स्ट रो है। ये देखिए इस तरह इस पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फर्स्ट रो इसकी बना ली है। अब सेकंड रो बनाएंगे और इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए ये इसकी सेकंड रो है और इसको भी हम उल्टा ही बना लेंगे। पूरी रो हम इसी तरह कंप्लीट। ये देखिए टू रो इसकी बना ली है और अगर इस साइड से देखें तो एक लाइन ये कंप्लीट हुई है। अगर हम ये एक लाइन देखें तो ये एक लाइन दो सिलाइयों में कंप्लीट हो जाती है। तो जैसे हमने एक लाइन बनाई है इसी तरह से हम एक बना चुके हैं
और इसकी चार लाइनें हम और बना लेते हैं, फिर दिखाएंगे। ये देखिए एक लाइन हम पहले बना चुके थे, एक दो तीन चार, चार लाइनें हमने और बना ली। टोटल हमने यहाँ पर ये पांच लाइनें बना ली, यानी हमने 10 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट कर ली। अब इन फंदों को हम बंद कर देंगे, बहुत ज़्यादा टाइट इनको बंद ना करें। देखिए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर फंदा वापस, फिर दो फंदों का एक फंदा, फिर फंदा वापस करेंगे, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट करेंगे इन फंदों को बंद करते हुए। ये देखिए इस तरह से बंद करते हैं। ये देखिए इस तरह की हमने इसकी स्ट्रिप तैयार कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए दोनों को हम इस तरह से लेंगे यहाँ से, इस तरह से पकड़ते हुए ये सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक पूरे सिलाई कर देंगे, और ये बीच में देखिए इसको भी हम सील देंगे इस तरह से रखते हुए। ये देखिए एक बार फिर दिखाते हैं, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, दोनों को हमें बराबर रखना है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ, और इसको हम यहाँ, ये देखिए इस तरह से सीलेंगे, और ये जो बीच में जहाँ ये गैप है यहाँ पर भी इसको सील देंगे। देखिए इसकी हमने सिलाई कर दी है, अब इसको हम सीधा करेंगे। और ये देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छे से खुली खुली है, बाल वगैरह पर आप अच्छे से पहना सकते हो। और ये देखिए इस तरह से हम कोई मोरपंख यहाँ पर लगा सकते हैं, और बहुत ही सुंदर सी पगड़ी बनकर तैयार है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। देखिए तो फ्रेंड्स, ये देखिए पूरी ड्रेस हमने इनकी बना ली है, पगड़ी है, कुर्ता है, और ये पाजामा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे बनाए डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।